हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे ग्रुपिंग 8 एडजेसेंट वन की। तो देखिए, पेयर में जिसमें दो वंस की ग्रुपिंग होती है और क्वाड जिसमें चार वन की ग्रुपिंग होती है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। आज हम लोग बात करेंगे कि 8 वन यानी ऑक्टेट कैसे बनाते हैं ग्रुपिंग, ठीक है। ग्रुपिंग 8 एडजेसेंट वन, इसी को बोलते हैं ऑक्टेट। तो 8 वंस की जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो जो पीछे हमने आपको रूल बताए हैं वो सारे सब कुछ वही रहेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा कि सपोज कीजिए ये हमने एक 4 वेरिएबल का के मैप बनाया, ठीक है। तो 4 वेरिएबल का के मैप आप लोग जैसे बनाते हैं वैसे ही बना लीजिए इसको। ये हमने बना दिया, 4 हॉरिजॉन्टल रोज हो गई और ये 4 टोटल 16 खाने हो गए 4 वेरिएबल के मैप में। ये सपोज कीजिए हमने इधर AB लिखा और इधर CD लिखा, तो हमें मालूम है कि ये हो जाएगा A बार B, ये हो जाएगा AB और AB बार। ऐसे यहाँ पे हम लिखेंगे C बार D, फिर ये हो जाएगा आपका CD और CD बार। अब मान लीजिए जो क्वेश्चन गिवन है उसमें इस तरह दिया हुआ है कि सपोज कीजिए यहाँ पे 1 दिए हुए हैं, ठीक है, और बाकी रेस्ट ऑफ द बॉक्सेस 0 फील्ड है। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें हम ये देखेंगे कि हमारा ऑक्टेट कैसे बन सकता है। तो इसमें देखिए ये सारे 1 जो हैं ये एडजेसेंट बॉक्सेस में है, तो इनको लेके हम ऐसे ऑक्टेट बना सकते हैं, ठीक। अब जब ऑक्टेट बनाएंगे तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, तो आप यहाँ आउटपुट लिखेंगे y = तो कॉन्सेप्ट वही रखिए, लेफ्ट टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट ट्रेवल कीजिए। तो देखिए टॉप टू बॉटम जब आप ऐसे ट्रेवल करेंगे तो यहाँ पे देखिए A बार B बार, यहाँ पे क्या है A बार B, मतलब A बार नहीं चेंज हो रहा है, ठीक। और लेफ़्ट टू राइट जब ट्रेवल करेंगे यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, पूरे ऑक्टेट में आपको ट्रेवल करना है। तो पूरे ऑक्टेट में जब आप ट्रेवल करेंगे तो आप देखेंगे C और D दोनों अपनी वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो ना C आएगा ना D आएगा और ना B आया, यानी यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। और वैसे भी हम लोग पीछे रूल में पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई ऑक्टेट फॉर्म होगा तो कितने वेरिएबल एलिमिनेट होंगे, 3 वेरिएबल्स will be eliminated, ठीक है। तो टोटल 4 वेरिएबल हैं, 4 में से 3 एलिमिनेट हो जा रहा है, एक आपका ये आंसर आ जा रहा है, ठीक। अगर इसी को आप मान लीजिए आपने कहा कि हम इसको बूलियन अलजेब्रा से चेक करके देखें कि हाँ सही आ रहा है नहीं, तो आप इसको चाहें तो बूलियन अलजेब्रा से चेक भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए हमने कहा y = अब जितने 1 वाले हैं सारे टर्म लिखिए, तो क्या हुआ A बार B बार C बार D, ये पहली टर्म आ गई ये वाली। अब दूसरी बार क्या हो गया, A बार B बार C बार D, तीसरी टर्म आ जाएगी A बार B बार C D, चौथी टर्म आ गई आपकी A बार B बार C D बार, ये हो गया। प्लस अब यहाँ पे लिखिए 5वीं टर्म, प्लस ये हो जाएगा, मान लीजिए हमने लिखा ये A बार B और C बार D बार, प्लस हो गया A बार B C बार D, प्लस A बार B C D और प्लस A बार B C D बार, ये टर्म आ गया। अब आप क्या कीजिए, अब आप बूलियन लॉस से जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ उस हिसाब से हमें इसको मिनिमाइज करना है। तो इसमें क्या होगा, देखिए इन दोनों में देखिए A बार B बार C बार D बार और A बार B बार C बार D, इन दिन दोनों में देखिए, तो हम क्या करेंगे, हम A बार B बार C बार कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा D बार + D आ जाएगा, ठीक। प्लस ऐसे ही इसमें देखिए, इसमें हम कॉमन लेंगे क्या, A बार B बार C, तो फिर आ जाएगा आपका D + D बार। इन दोनों में, फिर ऐसे ही इन दोनों में देखिए तो इसमें क्या आ जाएगा आपका ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार और क्या आ जाएगा डी बार प्लस डी। और लास्ट की दो टर्मों में देखिए क्या आ जाएगा ए बार बी सी कॉमन ले लेंगे और आ जाएगा डी प्लस डी बार, ये हो गया। और हमें बूलियन लॉ से मालूम है कि डी बार प्लस डी क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो 1 हो जाएगा तो कितना आएगा ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी। अब इसमें क्या कीजिए फिर से आप ए बार बी बार कॉमन ले सकते हैं, तो ए बार बी बार कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा सी बार प्लस सी, और यहाँ पे फिर आप कॉमन लेंगे ए बार बी तो क्या आएगा सी बार प्लस सी। तो सी बार प्लस सी फिर 1 हो गया, ठीक है, बुलियन लॉस से। तो ये क्या रह गया ए बार बी बार प्लस ए बार बी। अब इसमें क्या कीजिए ए बार कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा बी बार प्लस बी, और बी बार प्लस बी फिर क्या हो गया 1 हो गया। तो ये आ गया आपका ए बार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चाहे बुलियन लॉस से सॉल्व करेंगे तब भी वही आंसर आ रहा है, और जो आपने के मैप से निकाला है तब भी वही आंसर आ रहा है। के मैप से आपको निकालने में फ़ायदा क्या है कि ये इतना जो आपका टाइम कंज्यूमिंग और कम्बरसम प्रोसेस है ये आपको नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट जो है काफ़ी कम टाइम में काफ़ी कम मेहनत में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। एक ये एग्जाम्पल हो गई ऑक्टेट बनाने के लिए। अब मान लीजिए एक और हम के मैप लेते हैं, सपोज कीजिए, ठीक है। अब उसमें के मैप में कैसे दिया हुआ है, मान लीजिए हमने कहा कि ये एक के मैप बनाया हमने 4 वेरिएबल का इस तरह, ठीक है। तो जैसे इसको हम बनाते आए अभी तक, बना लीजिए, ये डिवाइड किया हमने वर्टिकली 4 पार्ट में और हॉरिजॉन्टली 4 पार्ट में, ठीक है। इस तरह हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है ए बी, इधर दिया हुआ है सी डी। अब जैसे लिखते हैं आप हमेशा इसको लिख लीजिए ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी बार। ऐसे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी और सी डी बार, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, केवल क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे 1 है, 1 1 1 1, बाकी सब जगह 0 0 0 0 0 0 0 0। अब इसमें जब आप ऑक्टेट बनाएंगे तो देखिए 8 का ग्रुप कहाँ बन रहा है, ये एडजेसेंट सेल्स में 1 है, ये ऑक्टेट बन जाएगा, ये ऑक्टेट बन गया। अब इसका आउटपुट आप लिखेंगे तो क्या आएगा y इक्वल टू कितना आ जाएगा, पहले टॉप टू बॉटम ट्रेवल कीजिए तो ऊपर से नीचे तक अगर आप ट्रेवल कर जाएंगे तो क्या होगा a और b दोनों अपनी वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं, तो a और b तो नहीं आएगा। अब लेफ़्ट टू राइट आप ट्रेवल करेंगे इस कॉलम से इस कॉलम में तो आप देख रहे हैं कि सी डी बार और सी डी और सी डी बार, सी नहीं चेंज हो रहा, तो y इक्वल टू सी ये आंसर आ गया। देखिए ऑक्टेट बनने से 3 वेरिएबल एलिमिनेट हो गए और 1 वेरिएबल रह गया, ठीक। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आप लेंगे तो इसको जो है हम इसी के मैप में चेंज कर दे रहे हैं, बार बार ड्रॉ करने में आपका टाइम वेस्ट होगा। तो मान लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिया हुआ है इसने जो क्वेश्चन गिवन है वो इसको पहले वो दिया हुआ है, ऐसे कर लिया हमने मान लीजिए। अब इसमें जो 1 दिया हुआ है ये 1 यहाँ दिया है, यानी पहले इसको ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ठीक। अब जो 1 इसने दिया हुआ है वो उसने 1 दिया हुआ है, ये 1 1 1 1 1 ये दिया है और बाकी सब जगह 0 दिया हुआ है और यहाँ पे 1 दिया है, ठीक। तो अब आप देखिए ये 2 सेल जो है एडजेसेंट सेल होगा तो इसको क्या कर सकते हैं हम, इसमें ऑक्टेट बनाएंगे तो ये 4 और ये 4 इनका ऑक्टेट बन जाएगा। तो इनका जब आप ऑक्टेट बनाएंगे तो फिर वही चीज़ कीजिए जैसे हमने बताया आपको कि पहले आप टॉप टू बॉटम ट्रेवल कीजिए तो ए बार बी और ए बी बार ये दोनों चेंज हो जा रहा है, ए बार से ए हो जा रहा है और बी से बी बार हो जा रहा है, तो ये आएगा नहीं। अब लेफ़्ट टू राइट ट्रेवल कीजिए, तो जब आप लेफ़्ट टू राइट ट्रेवल करेंगे तो भी ये सी डी तो सारे वैल्यूज चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब कि इसमें गड़बड़ी कहाँ पे हो रही है। ए अच्छा ये गड़बड़ी हो रही है, यहाँ पे ए बार बी नहीं ए बार बी बार आएगा ना यहाँ पे, तो ये हुआ ठीक। अब इसमें देखिए बी बार नहीं चेंज हो रहा है, तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी बार हो जाएगा, यही आंसर आएगा। आपको चेक करना और बुलियन लॉ से करिए, यही आंसर आ जाएगा ठीक। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो वंस दिए हुए हैं वो आपके दिए हुए मैं फिल कर रहा हूँ, इसको देखिए, इसको भी हटा दे रहा है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का आएगा। देखिए अब नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें 1 दिया हुआ है 1 0 0 1 ऐसे दिया है, फिर यहाँ पे 1 है, ये हटा दीजिए 1 0 0 और यहाँ पे 1 है ठीक है, फिर यहाँ पे भी 1 है सॉरी यहाँ पे भी 1 है और फिर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बाकी सब 0 0। अब इसमें जब आप ऑक्टेट बनाएंगे तो इसमें जो ऑक्टेट बनेगा वो किस तरह बनेगा, ये 4 ले लिया आपने और ये 4 ले लिया ऐसे, फिर इसमें वही लिखिए, तो टॉप टू बॉटम ट्रेवल करेंगे तो ए बी दोनों अपनी वैल्यू चेंज कर दे रहा है, नहीं लिखा जाएगा। इस कॉलम और इस कॉलम में देखिए क्या नहीं चेंज हो रहा, डी बार नहीं चेंज हो रहा, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी बार ठीक। तो इस तरह से हम ऑक्टेट फॉर्म कर सकते हैं एडजेसेंट सेल में। इसमें मेन है, आप ये ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जब आप पेयर बनाएंगे जो हम लोग पढ़ चुके हैं, एक वेरिएबल एलिमिनेट होगा, क्वाड बनाएंगे 2 वेरिएबल एलिमिनेट होगा, और जब आप ऑक्टेट बनाएंगे तो 3 वेरिएबल एलिमिनेट होंगे ठीक है। अब इसमें कुछ जो रूल्स हैं, या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि अगर हम समराइज करें पिछले वीडियोस को, पेयर क्वाड और जो है आपके ऑक्टेट वाली वीडियो को समराइज करके कुछ अगर हम रूल्स लिखते हैं कि समरी ऑफ के मैप रूल ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं समरी ऑफ के मैप रूल्स फॉर सिंप्लीफिकेशन, फॉर सिंप्लीफिकेशन ठीक है। तो क्या क्या रूल्स होते हैं देखिए, पहला क्या है, फर्स्ट नो जीरोज अलाउड, यानी जीरो हम नहीं कंसिडर करेंगे, नो जीरोज अलाउड। सेकंड क्या है, कोई डायगोनल में ग्रुपिंग नहीं होगी, नो डायगोनल्स, नो डायगोनल्स। तीसरा पॉइंट क्या है, ओनली पावर ऑफ 2 नंबर ऑफ सेल्स इन ईच ग्रुप, वही मतलब 2 का ग्रुप बनेगा, 4 का बनेगा, 8 का बनेगा ऐसे ही ठीक है। तो इसको हम ऐसे शॉर्ट में आपको समझा लिख देते हैं कि ग्रुप जो बनेंगे वो 2 4 8 ऐसे बनेंगे वंस के ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान रखने वाली वो ये है कि हमेशा ये कोशिश करते हैं कि ग्रुप्स शुड बी एज लार्ज as possible, ग्रुप जितने से बड़ा हो, बड़े से बड़ा बनना चाहे बन सकता हो, हमेशा लार्जेस्ट ग्रुप ट्राई करते हैं बनाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एवरी वन मस्ट बी इन एटलीस्ट वन ग्रुप, यानी एटलीस्ट न्यू वन किसी बड़े ग्रुप में, मान लीजिए ऑक्टेट आपने बनाया है 8 वन का, उसमें 7 वन जो है और ग्रुप्स में यूज हो चुके हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट 1 वन जो है वो नया होना चाहिए ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट है आपका कि ओवरलैपिंग इसमें अलाउड होती है, ओवरलैपिंग अलाउड होती है। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखने वाला वो ये है कि रैप अराउंड अलाउड। ठीक है, रैप अराउंड जो है वो भी अलाउ होता है। रैप अराउंड का मतलब ये हो गया कि जैसे अभी हम लोगों ने दिया था ना कि अगर कॉर्नर्स में वन है तो वो भी एडजेसेंट माने जाएंगे, कॉर्नर के दो कॉलम में हैं तो भी वो एडजेसेंट माने जाएंगे। मान लीजिए फर्स्ट रो और लास्ट रो में है वन, उनको उनकी आप ग्रुपिंग कर रहे हैं तो वो भी जो है आपके एडजेसेंट माने जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि रैप जो है रैप अराउंड अलाउड होता है इसके अंदर। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो रूल है, नेक्स्ट रूल है आपका फ्यूएस्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स पॉसिबल। मतलब कि इसमें नंबर ऑफ जो ग्रुप्स हैं वो कम से कम रखने चाहिए। तो इसी का जो हमने आपको बताया था कि इसी का जो दूसरा जो लास्ट पॉइंट हमने आपको बताया कि लास्ट पॉइंट क्या है आपका, इसको आप लिखते हैं से सपोज कीजिए इसको आपने लिखा कि लास्ट पॉइंट क्या है कि अच्छा इसके पहले 7th पॉइंट क्या था, रैप अराउंड ये अलाउड था। और 8वां पॉइंट क्या है, 8वां पॉइंट ये है कि फ्यूएस्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स होने चाहिए। तो ग्रुप जब आप बड़े से बड़ा बनाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि नंबर ऑफ ग्रुप कम से कम होगा, जितना बड़े बड़े ग्रुप बन जाएंगे उतना ही कम होगा। ठीक है, सो ये जो कुछ रूल्स आपको बताए हैं इसके के मैप सिंप्लीफिकेशन के, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।